बाड़मेर शहर के नेहरू नगर मोहल्ले में एक विवादित भूखंड पर जबरन कब्जा करने के लिए कंटेनर लेकर पहुंचे दो पक्षों के बीच शुक्रवार रात्रि को विवाद हो गया था। इस दौरान कब्जा करने आए एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट कर दी, जिसमें दो लोग घायल हो गए। घटना के दूसरे दिन घायलों से मामले की जानकारी लेने और कुशलक्षेम पूछने के लिए पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल रविवार को जिला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से मामले की पूरी जानकारी लेते हुए न्याय का भरोसा। बाड़मेर शहर के नेहरू नगर मोहल्ले में एक विवादित भूखंड पर जबरन कब्जा करने के लिए कंटेनर लेके पहुंचे दो पक्षों के बीच शुक्रवार रात्रि को विवाद हो गया था। इस दौरान कब्जा करने आए एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट भी कर दी, जिससे दो लोग घायल हो गए। घटना के दूसरे दिन घायलों के मामले को जानकारी लेने और कुशलक्षेम पूछने के लिए पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदवाराम बेनीवाल रविवार को जिला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से मामले की पूरी जानकारी लेते हुए न्याय का भरोसा दिलाया। जमीन के विवाद के बाद हुई मारपीट के घायल लोगों से मामले की पूछताछ को लेकर रविवार को पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदवाराम बेनीवाल देर शाम को जिला चिकित्सालय पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उम्मेदवाराम बेनीवाल ने कहा कि दिन दहाड़े ऐसी घटना होना सही नहीं। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए, लेकिन इस वारदात में कुछ ऐसा नजर नहीं आया और अपराधी बेखौफ होकर लोगों पर हमला करते रहे। उन्होंने इस घटना को लेकर एसपी और कोतवाल से भी बात की। पुलिस आरोपियों की पहचान करने में लगी हुई है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से मांग की कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा किसी का भी ऐसा करने की हिम्मत न हो। और इस तरीके की घटना होना बहुत ही शर्मनाक है, और पुलिस का खौफ जो लोगों के अंदर, अपराधियों के अंदर होना चाहिए था, वो खौफ कहीं नजर नहीं आया। सरेआम रोज ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही है, और पुलिस से मैंने उच्च अधिकारियों से बात की, एसपी साहब से भी अभी बात की, और सीआई साहब से भी पहले बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि पूरी टीमें लगी हुई है उनको पहचान करने में, और कुछ लोगों की पहचान कर ली है और दो तीन लोगों के खिलाफ तो एसएसबी खोली है। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है कि ऐसी इन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि दोबारा ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति करने की किसी में हिम्मत नहीं हो। और ये भूमाफियों द्वारा प्लॉट के ऊपर कब्जा करने की नीयत से ये वारदात को अंजाम दिया है, बहुत ही शर्मनाक है। बाड़मेर जैसे अपने शांत एरिया के अंदर इस तरीके की घटनाएं होना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक। गौरतलब है कि शुक्रवार रात नेहरू नगर में एक भूखंड के विवाद को लेकर एक पक्ष ने लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान दूसरे पक्ष का विरोध किया तो दोनों पक्षों में मारपीट होगी। इसमें एक पक्ष के दो लोग गंभीर घायल हो गए, जिनका राजकीय चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को पकड़ा है।